तो मैंने खरीदी है ये नई भाई लैम्बोर्गिनी उरुस। यस, बिल्कुल नई नवेली, ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी उरुस। एंड ऐसा कलर नहीं था भाई लॉस सैंटोस में और किसी भी गाड़ी का, यहाँ तक कि दूसरी कोई अगर तुम लोग उरुस भी देखो लॉस सैंटोस में, तो ऐसे कलर की लैम्बोर्गिनी उरुस पूरे लॉस सैंटोस में कहीं भी नहीं है। एंड यहाँ तक कि साइमन के शोरूम पे भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से भाई ये उरुस मुझे माइकल के शोरूम पे दिखी। एंड जैसे ही मेरे को दिखी भाई, मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ पैसे देके इस लैम्बोर्गिनी और उसको ख़रीद लिया है। एंड फिलहाल इसको चलाने के लिए ऑफ रोडिंग स्पीड टेस्टिंग वगैरह वगैरह करने के लिए मैं इधर आया हूँ डेजर्ट की तरफ, क्योंकि देखो डेजर्ट के रनवे पे स्पीड टेस्टिंग हो जाएगी एंड यहाँ पर थोड़ी पहाड़ों पे ऑफ रोडिंग हो जाएगी तगड़ी वाली। ऐसे क्या मज़ा आ रहा है यार इस उरुस से ऑफ रोडिंग करने का। ये देखो भाई, ओ नो, थोड़ा सा संभाल के यार, थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है बट कोई बात नहीं। इस तरीके से एंड देन इस तरीके से भाई साहब, सबसे एपिक चीज़ जो लगती है मुझे इस उरुस में, इसके ड्रिफ्ट, ऑफ रोड के साथ ड्रिफ्ट देखना चाहते हो तुम लोग कुछ इस तरीके से। लगी नहीं वैसे कुछ खास ड्रिफ्ट, रुको मैं तुम लोगों को एक तगड़ी ड्रिफ्ट दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये देखो भाई अल्टीमेट लेवल के ड्रिफ्ट एंड अच्छी ड्रिफ्ट थी ये। खैर ड्रिफ्ट को छोड़ो, अभी हम लोग रनवे की तरफ चलते हैं क्विकली स्पीड टेस्टिंग वगैरह के लिए, क्योंकि इस डेजर्ट वाले रनवे एंड एयरपोर्ट वाले रनवे के अलावा और कोई बढ़िया जगह नहीं है जहाँ पर स्पीड टेस्टिंग हो जाए। तो मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट वाले रनवे पे तो हम लोग आए दिन जाते रहते हैं, आज ज़रा डेजर्ट वाले रनवे की तरफ चलते हैं। एंड हेयर आई एम, आ चुका हूँ भाई। ऑफ रोडिंग की वजह से भाई पूरी गाड़ी धूल मिट्टी से सन गई है बहुत बुरी तरीके से। यस, बट स्टिल मज़ा आ रहा है इसको फुल भगाने में। उतनी इस रोड पे इसकी स्पीड 300 चली गई, 350, ओके 370 380, ओ 380 के लगभग गई थी अभी इसकी स्पीड। फिलहाल ये डेजर्ट का रनवे कहाँ चला गया, राइट में आई गेस, यहाँ से राइट। यस, हटो भाई साहब, हट जाओ ज़रा साइड प्लीज़। एंड हियर वी गो, एंड यहाँ से थोड़ा सा और साइड। अबे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज़ है यार, ये तो कुछ बड़े बड़े सर्कल सी, पता नहीं रैंप है कि क्या है। एक बंदा है यहाँ पर, इससे पूछूं क्या, बट रुको यार एक बार देखने दो ये है क्या एक्चुअल में। एक ये ट्यूब है बड़ी सी एंड उसके अंदर कुछ विंड मिल्स घूम रहे हैं। आई गेस कोई चैलेंज चल रहा है क्या, ये लग तो रहा है भाई देख के कोई ना कोई चैलेंज ही है ये, बट समझ में नहीं आ रहा कुछ खास कि चैलेंज क्या है। उस बंदे से जाके पूछते हैं, एक बंदा है वहाँ पर शायद से वो ऑर्गेनाइज़र होगा इस चैलेंज का। आया तो था देखो भाई अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस की स्पीड टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज दिख गया है तो ज़रा देखते हैं क्या है चैलेंज, क्या है सीन। सर हेलो, एक्सक्यूज मी सर, 2 मिनट आपसे बात करनी थी, आप बताओगे आप इस चैलेंज के ऑर्गेनाइज़र हो। ओके ये बंदा कह रहा है भाई ये इस चैलेंज का ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है ज़रा बताओगे ये चैलेंज क्या है। ओके गॉट इट। तो ये है गाइस डीप होल चैलेंज, यस गहरे गड्ढे वाला चैलेंज है ये, डीप होल चैलेंज बोल लो, डीप पिट चैलेंज बोल लो, जो भी है मतलब गहरे गड्ढे वाला चैलेंज है ये समझ लो भाई तुम लोग। एंड इसके 3 लेवल है फिलहाल, ये है इजी, ये है मीडियम एंड वो है हार्ड, ठीक है 3 अभी लेवल है। इजी वाले चैलेंज को अगर मैंने कंप्लीट कर दिया तो मुझे मिलेंगे पूरे के पूरे 10 लाख, ठीक है। मीडियम वाले को कर दिया जो कि वो है मीडियम वालों को कर दिया अगर मैंने कंप्लीट तो मिलेंगे मुझे 1 करोड़, ठीक है 10 लाख इस पे 1 करोड़ उस पे। अगर इस हार्ड वाले को मैंने कंप्लीट कर दिया तो मुझे मिलेंगे 10 करोड़। एंड इस बंदे ने बोला है अगर इन तीनों को मैंने कंप्लीट कर दिया तो फिर आएगा इम्पॉसिबल लेवल का चैलेंज, एंड अगर वो चैलेंज भी कंप्लीट कर दिया मैंने तब मिलेंगे 100 करोड़। फिलहाल अभी इम्पॉसिबल लेवल को छोड़ो भाई, अभी फोकस करते हैं इस इजी मीडियम एंड इस हार्ड वाले चैलेंज को कंप्लीट करने का। फिलहाल तुम लोग सोचोगे इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है भाई, हमें सिंपली इस बड़े से होल के अंदर ड्रॉप कर दिया जाएगा एंड हमें उस होल से बाहर निकलना है खुद का दिमाग का इस्तेमाल करके। यस भाई, इस गहरे से गड्ढे में हमें फेंक दिया जाएगा एंड अपने दिमाग का यूज करके हमें किसी भी तरीके से बाहर निकलना है, यही है चैलेंज। अगर गड्ढे से बाहर निकल गए तो अपने को मिल जाएंगे जैसे कि मैंने बताया 10 लाख, यहाँ से बाहर निकल गए 1 करोड़, वहाँ से निकल गए 10 करोड़, एंड अगर तीनों कंप्लीट कर दिया तो फिर 4th लेवल आएगा इम्पॉसिबल लेवल, उसको कंप्लीट कर दिया तो 100 करोड़। फिलहाल वो तो बाद की बातें हैं, पहले इजी नॉर्मल एंड हार्ड वाले को कंप्लीट करते हैं। सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ इस चैलेंज में। यस सर, मैं इजी वाले से शुरुआत करना चाहता हूँ। ओके लेट्स गो गाइस, यहाँ पर मेरा नाम रजिस्टर हो चुका है एंड मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है भाई फिलहाल इजी वाले में।
बट इजी वाले को कंप्लीट करने से पहले ज़रा एक बार मैं अपनी उरुस की स्पीड टेस्टिंग कर लूँ भाई, ढंग से हो नहीं पाई। चैलेंज कंप्लीट करेंगे इस, बट स्पीड टेस्टिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके ओके नाइस, आई गेस भाई 350 ही है मैक्सिमम स्पीड इसकी, ये देखो 380 के लगभग जा रही है गाइस, वही है मैक्सिमम स्पीड आई गेस। बस ठीक है, हो गई स्पीड टेस्टिंग, अभी फ़िलहाल उस डीप होल चैलेंज पे ध्यान देते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंज है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इजी वाला तो हो जाएगा, नॉर्मल वाला थोड़ा खतरनाक लग रहा है उन विंड मिल्स की वजह से, हार्ड वाला तो पता नहीं, हार्ड वाला तो सिंपल सा ही लग रहा है। फिलहाल अभी नॉर्मल वाले की तरफ बढ़ते हैं, गाड़ी को इधर साइड में लगा देता हूँ मैं, लेट्स गो कंप्लीट करते हैं नॉर्मल वाला। चलो सर आप मेरे को ड्रॉप कर दो नॉर्मल वाले चैलेंज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मुझे नॉर्मल वाले चैलेंज के अंदर कर दिया गया है ड्रॉप, एंड फिलहाल इस गहरे से गड्ढे से मुझे बाहर निकलना है, जिसका टॉप मेरे को नज़र भी नहीं आ रहा है, गड्ढे में फंस के भाई कैसे निकलूँ मैं, मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। मेरे पास वैसे वेपन है, आई कैन यूज डैट, बट मुझे नहीं लगता इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। यस, अगर इतना ईजी होता भाई वेपन से इस्तेमाल करके आराम से निकलना होता तो अभी तक लाइन लगी होती इन चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं है, इसका मतलब ये तीनों चैलेंज बहुत ही मुश्किल है, खतरनाक दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा तब होंगे ये चैलेंज, बट दिमाग अपने पास आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये तो ईजी वाला है भाई, ईजी वाला तो आराम से हो जाना चाहिए, ईजी वाला अभी तक नहीं कर पाया मैं, नॉर्मल कितना मुश्किल होगा एंड हार्ड कैसा होगा, खैर उसके बारे में अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं, अभी सिर्फ फोकस कर रहे हैं जिसके अंदर मैं फंसा हुआ हूँ ईजी वाले पर। तो कोई तरीका है भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो साइड में तुम्हें ये खंबे जैसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही भाई, काफ़ी सारे आई गेस इनको पकड़ के हम लोग बाहर निकल सकते हैं, बट इन पे कोई ग्रिप ही नहीं बन पा रही है यार, किसी एक पे भी ग्रिप नहीं बन पा रही है, डेफिनेटली ये तो ट्विस्ट नहीं है, किसी और ही तरीके से बाहर निकलना होगा, नहीं यहाँ पर तो कोई ग्रिप नहीं है, तो फिर कोई रस्सी वस्सी छुपी हुई है इधर, लेट मी जस्ट चेक, नहीं कोई रस्सी, क्या पता, देखो ये जो कलर है ये कुछ अजीब सा कलर है, ब्राउन कुछ फेस कलर टाइप का, ये जो सामने की तरफ कलर है, तो इसके बीच में क्या पता रस्सी छुपाई हो, क्योंकि रस्सी का भी कलर ऐसे ही कुछ होता है, बट मुझे नहीं लगता कोई रस्सी छुपाई गई है। नहीं अब यार ईजी वाले से नहीं निकल पा रहा मैं, नॉर्मल एंड हार्ड वाले के अंदर क्या हाल होगा मेरा, सोचो सोचो भाई दिमाग लगाओ किस तरीके से, नीचे कुछ है क्या, रुको शायद फ्लोर में कोई गड़बड़ हो, नहीं फ्लोर में कोई गड़बड़ नहीं है भाई, सिंपल सा तो फ्लोर है। ये क्या है गड्ढा, अब कैसे निकलूँ इस डीप होल से, कोई ना कोई तो तरीका होगा, किसी चीज़ पे चिपक पा रहा हूँ क्या मैं, नहीं यार चिपक भी नहीं पा रहा इस दीवार पे भाई, ये तो ईजी वाला ही सबसे मुश्किल लग रहा है, क्या ड्रामा है ये, कैसे बाहर निकलूँ मैं, कैसे आखिरकार, कोई तो तरीका होगा यार, ये कुछ अलग लग रहा है कुछ अलग नहीं लग रहा है, सब एक जैसा ही है। नहीं यार तुम लोग अगर ध्यान से देखोगे ये वाला जो पिलर है, मतलब ये वाला जो भी है, जो भी कहते हैं इसे टहनी है जो भी है, ये थोड़ा डिफरेंट है, कलर देखो तुम लोग देख रहे हो, ये थोड़ा ब्राउन है बट ये थोड़ा लाइट ब्राउन है, बाकी सब एक ही कलर के, ठीक है ठीक है भाई, बट ये वाला जो है बाकियों से अलग है, एंड एग्जैक्टली सेम चीज़ सेकंड रो में भी है, ये देखो ये वाला थोड़ा सा अलग है, एंड एग्जैक्टली यही चीज़ थर्ड रो में भी है, वो देखो वो अलग है, एंड आई गेस यही एग्जैक्टली चीज़ फोर्थ रो में भी होगी, इनको पकड़ने की कोशिश करूँ क्या, कुछ तो अलग है ये, लेट मी जस्ट चेक इट। अगर मैं तुम्हें टॉप एंगल से दिखाऊँ भाई कैमरा, ये देखो ये कितना ज़्यादा गहरा है ये गड्ढा, ओ भाई ऊपर से कितना डरावना लग रहा है, कुएं जैसा लग रहा है ये बिल्कुल। चलो भाई ट्राई करते हैं इस अलग वाले पीस के ऊपर चढ़ने का, ओ नाइस भाई चढ़ गए तुम्हें, एंड अब उस वाले पीस के ऊपर चढ़ते हैं क्विकली, पहले इसके ऊपर चढ़ते हैं रुको, एंड यहाँ से फिर इधर, ओ वेट, अरे वाह भाई अब यहाँ से डिफरेंट कौन सा है, रुको ये वाला सामने की तरफ, एंड हियर वी गो, लेट्स गो इसी तरीके से बाहर, एंड इसी तरीके से हियर वी गो गाइस, फाइनली फाइनली इजी वाले डीप होल से मैं यहाँ पर बाहर निकल चुका हूँ। वो जो डिफरेंट कलर्स की टहनियाँ थी भाई, जो डिफरेंट कलर्स के पिलर थे वुडन पिलर्स, इन्होंने हेल्प किया है भाई, एंड जिसकी वजह से भाई यहाँ पर बाहर निकल पा रहा हूँ मैं। लेट्स जंप, पैराशूट तो होगा ही मेरे पास, वो पैराशूट नहीं है, ओ भाई बड़ी तेज लगा है लेकिन बच गए, चलो चलो मजा ही आ गया भाई, लेट्स गो यहाँ पर हो गया। अब सेकंड वाले, सेकंड नहीं ये क्या था, इजी मीडियम एंड देन हार्ड, तो मीडियम की तरफ चलते हैं। सर इजी हो गया, 10 लाख निकाल दो फटाफट मेरे,
इजी डीप होल चैलेंज डन एंड यहाँ पर मेरे 10 लाख आ चुके हैं। अब उसको कंप्लीट करूंगा अगर मीडियम वाले को तो सीधे 1 करोड़ मिलेंगे। तैयार हो जाओ भाई, मैं सारे ही करने वाला हूँ। सर ड्रॉप कर दो मेरे को फटाफट उसके अंदर। एंड यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है भाई मीडियम लेवल वाले के अंदर। ओके क्या करना है यहाँ पर सोचते हैं, बट उससे पहले तुम लोग जाओ यार, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। यस अभी कभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले तो देखते हैं इसमें करना क्या है, सबसे मुश्किल चीज़ तो यही समझना है भाई कि आखिरकार। ओके ये विंडमिल्स है ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों की विंडमिल्स नज़र आ रही है। इनके ऊपर चढ़ के आई गेस मुझे वहाँ तक किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाना है एंड देन उस घूमती हुई विंडमिल का फिर से यूज़ करना है एंड देन बाहर निकलना, मतलब विंडमिल के फटके खाने हैं एंड बाहर निकलने की कोशिश करनी है। आई गॉट इट, लेट्स गो, लेट्स डू दिस। विंडमिल के फटके प्लीज़। यस यहाँ पर पहली जंप, ओके बहुत ही बढ़िया, अरे वाह, ओके ये तो ईजी लग रहा है, ये तो ईजी लग रहा है डेफिनेटली। ये आ गया मैं नीचे आराम से, अरे गिर गया। ओके विंडमिल्स के फटके खाने हैं भाई जोरदार एंड बाहर निकलने की कोशिश करनी है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैं आया एंड अबे यार उन प्लेटफॉर्म्स तक नहीं पहुँच पा रहा, रुको यार अच्छी जंप लगानी पड़ेगी तब शायद मैं उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुँचूंगा। रुको 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 प्लीज़ प्लीज़। अबे किधर गिर गया मैं, यहाँ कहीं तो प्लीज़। ओके उड़ा दिया बहुत ही बढ़िया। ओके यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके नाइस यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म के अंदर गिर गया मैं। अब यहाँ से भी फिर विंडमिल का फटका ही खाना है ठीक है, समझ गए। और ये कैसे होगा, शायद उधर उस वाले पे जंप लगानी होगी। हाँ उधर विंडमिल्स आती हुई दिख रही है मुझे। ओके आ गया भाई यहाँ पर आराम से। यहाँ से पड़ेगा क्या फटका, नहीं यार उसके तो फटके ऊपर ही जा रहे हैं, अलग ही डायरेक्शन में। आई गेस उसके ऊपर जंप लगानी चाहिए। कम ऑन, अबे यार कहाँ नीचे ही गिर गया भाई, बड़ी मुश्किल से तो पहुँचा था मैं भाई। ये मीडियम लेवल है भाई, ठीक ठाक है ये लेवल भी, इजी लग रहा था लेकिन इतना भी इजी है नहीं, नीचे ही रह गया इस बार भाई। ये तो काफ़ी खतरनाक है भाई, थोड़ी सी इधर उधर जंप हो रही है, बहुत तेज फटके पड़ रहे हैं, जैसे ये फटका बिल्कुल ही वेस्ट था। अरे यार इसमें तो सारी हड्डियाँ चकना चूर होने वाली हैं। ओ नो प्लीज प्लीज प्लीज। ओ यार प्लेटफॉर्म से ही टकरा के नीचे आ गया। ओ नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। अबे 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 अबे, अबे जोरदार फटके ही पड़े जा रहे हैं। रुको गाइस पहले स्ट्रेटजाइज करने दो मुझे। अबे अबे बे मतलब मैं उड़ा दिया, स्ट्रेटजी बना रहा था मैं, अरे गिर गया। लेट मी हैव सम स्ट्रेटजी भाई, लेट मी मेक सम स्ट्रेटजी। ओके किस तरीके से, सबसे पहले तो यहाँ से उधर उड़ के जाना है एंड देन वहीं पे फटका पड़ेगा वो, देखो वहाँ पे। लेकिन वहाँ तक मैं पहुँच तो पा नहीं रहा था, शायद कोई तरीका होगा जिससे हम लोग इस विंडमिल को नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ सीन है लगता तो नहीं है। सीरियसली मैं ऊपर कर सकते हैं क्या इसे, पता नहीं उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओ यस उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं भाई, तो फिर तो ठीक है। पहले तो क्विकली उसी वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं जहां पर मैं पहुंचा था पहली बार में। अबे यार अब तो लग रहा है मेरे को नहीं पहुंच पाऊंगा वहां पर, पहली बार बड़ी मुश्किल से पहुंचा था एंड एकदम से तुक्का सा लगा था भाई, पूरी मैंने कोशिश तो की थी लेकिन तुक्का था वो पूरा। ओके वेट वेट, चलो भाई उड़ा दे भाई, अरे यहीं उड़ा दिया। ओके नाइस बहुत ही बढ़िया। ओ नो ओ प्लीज, ओ बे यार भाई कुछ तो पकड़ लेता है यार, नीचे आ गया। ओके कोई बात नहीं। ओके अरे यार खोपड़ा फूट रहा है इसमें और कुछ नहीं हो रहा। इन बंदों को कोई सूट देना चाहिए था जिससे भाई ये विंडमिल्स की चोट ना लगे, लेकिन लग रही है। खैर इसको कंप्लीट करने पे कितने मिलेंगे, 1 करोड़। अरे पहुंचने दो यार एक प्लेटफॉर्म तक तो एटलीस्ट। ओके कम ऑन। अबे पैर पे लगा, बिल्कुल बीचों बीच लगेगा ना भाई बॉडी के, तब आएगा उसमें अच्छी खासी हाइट तक जाऊंगा। रुको तैयार नहीं, नीचे पैरों पे लगा बस ये। ओके फिर से फुटबॉल बना दिया, फिर भी नीचे ही आ गया मैं। मुश्किल है भाई, लेकिन ये तो मीडियम वाला लेवल खेल रहा हूँ मैं, हार्ड वाले पे क्या हाल होगा मेरा। ओके फाइनली ओके कहीं तो पहुंचा। अब यहाँ से फटके खाना है एंड देन ऊपर की तरफ जाना है एंड देन मैं बाहर निकल जाऊंगा, यही सबसे मुश्किल लग रहा है मेरे को। ओके प्लीज, अबे यार नीचे गिर गया ये तो मैं, और अब फिर जोरदार फटका पड़ा। ओके गाइस हालत खराब हो रही है इस चैलेंज को कंप्लीट करने में। आई गेस मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ डेफिनेटली। इन चारों प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन किया जा सकता है क्या, वेट। अरे हाँ भाई वो प्लेटफॉर्म तो आगे की तरफ खिसक गया, तो रुको पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इस वाले प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता हूँ एंड देन गोलियां चला के चारों प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर दूंगा एंड देन फिर दूसरे वाले विंडमिल का यूज करके बाहर। यस आई गॉट दिस। नेक्स्ट बारी में भाई कर जाऊंगा मैं, तुम लोग देख लेना, नेक्स्ट टाइम फिक्स है भाई, पक्का आराम से। अरे यार इधर तो एक बार ये बार बार ये विंडमिल मेरे को साइड में क्यों उड़ाता है। ओके नाइस अच्छी हाइट बहुत ही बढ़िया। अब एक काम करते हैं इनको सरकाते हैं थोड़ा सा, कम ऑन। ओके नाइस सरका के भाई कहाँ पहुँचा दिया, अब जरा इसे सरकाते हैं थोड़ा सा।
बस बस आई गेस इतना काफ़ी है। अबे बीच में गड्ढा सा बन गया है तो कोई बात नहीं, अब इस विंड मिल का यूज़ करना है एंड देन बाहर। यस गाइज कम ऑन लेट्स डू दिस लेट्स। ओ अबे इधर ही रह गया मैं तो। ओके साइड से अबे यार अबे नहीं नीचे नहीं। ओह नो फिर से आई एम बैक एंड प्लीज भाई एक फटका एंड बाहर कर दो मेरे को। यार ये साइड में क्यों सरका रहा है ये वाला विंड मिल, ये वाला विंड मिल बहुत बेकार है भाई। अरे मेरे को बाहर निकलना है इस सर्कल से, इस डीप होल से। ओके 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 अच्छी अच्छी खासी हाइट तक उछाला था इस बार इसने। कभी कभी ये बंदा कमाल कर रहा है, कभी कभी गिरा रहा है भाई मेरे को नीचे। ये अब क्या करूँ मैं, सारे प्लान तो यूज़ कर लिए भाई। अबे यार बाहर निकाल दे आई गेस। रुको यार इनको थोड़ा ऊपर की तरफ रेज करते हैं, लेट्स गो। ओके थोड़ा ऊपर की तरफ कर लिया भाई प्लेटफॉर्म को। अब तो बाहर निकाल दे प्लीज। यस अब हो जाएगा आई गेस। अबे यार ये तो मेरे को इधर ही फेंक रहा है साइड में भाई। ये विंडमिल हल्का सा उछाल रहा है एंड बार बार इधर ही गिरा रहा है, मैं क्या करूं भाई परेशान हो गया हूँ। ओके कम ऑन फिर इधर ही गिरा दिया, बाहर कर भाई प्लीज। नहीं भेज रहा भाई ये बाहर। रुको एक काम करता हूँ इसके क्लोज में जाता हूँ एंड देन यहाँ से। यस यस ओके यस अब बात बन जाएगी। यस अरे थोड़ा सा ऊपर कम ऑन। यस अबे कर दे भाई प्लीज। भाई यार इसके फटके ही नहीं लग रहे यार, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओके भाई प्लीज थोड़ा सा हवा में उड़ा दे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं प्लीज थोड़ा सा। अबे यार ये सिर्फ पुश कर रहा है भाई हवा में तो। ओके नाइस ओके ओ कम ऑन थोड़ा सा ओ पकड़ ले। ओ ऑलमोस्ट डिड इट भाई। आई गेस गाइस अब होने वाला है भाई, तुम लोग बस वेट करो। यहाँ पर हल्का सा सिर्फ हवा में उड़ाना है एंड ये बंदा सिर्फ मेरे को धक्का दे रहा है, मतलब बंदा क्या विंड मिल प्लीज भाई हवा में उड़ा दे। ओ बहुत ही बढ़िया एंड हियर वी गो नाइस। पहली बार इतनी हाइट से गिर के खुशी मिल रही है, लेकिन हो गया भाई फाइनली। बहुत मुश्किल था यार भाई, वो तो कुछ भी नहीं था, मीडियम वाला इतना मुश्किल था, तो हार्ड वाले में क्या होगा भाई। मेरी तो अब सोच के ही हालत खराब हो रही है, बट एक बात की खुशी है कि भाई मैंने मीडियम वाला भी कर दिया। ये कितना डिफिकल्ट था तुम लोग सोचो भाई। इस विंडमिल के फटके से हमें उन चारों प्लेटफॉर्म्स में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाना था, फिर उन प्लेटफॉर्म में गोलियां चला के आजू बाजू ऊपर नीचे हम लोग उसके हाइट एडजस्ट कर सकते थे एंड उसके हाइट एडजस्ट अबे जब उसकी हाइट एडजस्ट कर सकता था मैं, तो उसी को गोली चला चला के बाहर तक ले जाता एज तक एंड देन जंप लगा देता। अबे यार मैंने ये दिमाग पहले क्यों नहीं चलाया, अब दिमाग चला रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे लग रहा है गाइस उसकी कोई लिमिट होगी, एक लिमिट के बाद वो फिर उसके ऊपर नहीं जाता होगा, यही सीन है। हाँ इतना इजी थोड़ा बनाएंगे बंदे। खैर जो भी हो सर मैंने 1 करोड़ वाला भी चैलेंज कर दिया है एंड अब आपको मेरे को 1 करोड़ देने पड़ेंगे। क्विकली सर 1 करोड़ निकालो, 1 करोड़ निकालो। तो यहाँ पर ये है 1 करोड़। तो अभी तक मैंने 10 लाख भी अर्न कर लिया, 1 करोड़ भी अर्न कर लिया है, बारी है सीधे 10 करोड़ वाले की, जो कि है इजी मीडियम के बाद आने वाला लेवल हार्ड। देखते हैं हार्ड हो तो जाना चाहिए। सर प्लीज ड्रॉप कर दो मेरे को इस हार्ड वाले लेवल में एंड यहाँ पर सीधे। अबे कहाँ से ड्रॉप कर दिए। ओ इसके अंदर तो मूविंग पार्ट्स भी हैं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है यार भाई, क्या सीन है। ये तो थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, इसमें कैसे बाहर निकलूंगा एंड ये तो और भी ज्यादा डीप है भाई, ये डीप होल तो कुछ ज्यादा ही डीप है। ओके नीचे आ गए एंड यहाँ पर एक बाइक रखी है। ओह गॉट इट क्या करना है ये तो समझ गया मैं, ये बाइक है एंड ये बहुत ही ऊंचा सा गड्ढा है, मुझे भाई वो सर्कल 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 करते हुए बाहर निकलना है। इजी बहुत इजी है मेरे लिए तो ये, अरे क्या ही दे दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी हो गई चीज मेरे लिए लिटरली। मैं गाइस तुम लोग देख ले ना, अरे बाइक की स्पीड अच्छी नहीं है, बूस्टर नहीं है इसके अंदर, पता नहीं है बूस्टर है चलो कम ऑन। अबे यार ये तो मुश्किल लग रहा है भाई अब। मैं तो कह रहा बहुत इजी है, बस सर्कल सर्कल करते हुए जाना है एंड बाइक से बाहर निकलना है, बट इट इज़ प्रिटी हार्ड। इतना भी मुश्किल नहीं है, कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके कम ऑन बाइक। यस हियर वी गो एवरीवन। यस बाहर निकल रहे हैं,
एंड वो घूमता वो मूविंग पार्ट, वो कब आएगा? यस ये रहा वो मूविंग पार्ट। ओ नो ओ यस कम ऑन, ओ नहीं और नीचे क्यों जा रहा है? ओके नीचे नहीं जाना है। बहुत ही बढ़िया। ओ नो बहुत ही बढ़िया गाइस। ओ बहुत ही अल्टीमेट। ओए प्लीज बाहर निकल जा, प्लीज बाहर। ओ नहीं पैर टकरा के अंदर आ गया यार। ओहो ये तो लिटरली में बहुत ही क्रेजी चीज हो जाती। अबे भाई ऑलमोस्ट बाहर था मैं, सीरियसली मैं, तुम लोग ध्यान से देखो, जरा रिवाइंड करके देखो भाई। भाई बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर था मैं, ऑलमोस्ट पैर टकरा के अंदर आ गया। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इधर उधर और हो जाता मजा ही आ जाता। बट हाँ इतना तो पता चल गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे तो लग रहा है वो जो इजी एंड मीडियम जो लेवल खेले है ना भाई, कौन से थे वो? हाँ वो मीडियम वाला एंड वो इजी वाला, इन दोनों से सबसे आसान यही लग रहा है मेरे को तो अभी तो फिलहाल। देखते हैं क्योंकि भाई शुरुआत में ही तुम लोग देखो मैं कहाँ तक पहुंच गया था। हल्का सा बूस्टर है लेकिन बूस्टर ज्यादा पावरफुल नहीं है। देखो बूस्टर कितना है, इतना है बूस्टर। क्या हो जाएगा इससे सीरियसली में तुम लोग मुझे बताओ इससे क्या हो जाएगा? खैर जब जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे इसको भी। एंड हियर वी गो, कम ऑन। ओके हल्का सा यूज किया। अबे बूस्टर तो और बेकार है, बाइक का ग्रिप ही खत्म हो जा रहा है बूस्टर यूज करते ही। नहीं गाइस डेफिनेटली मैं बूस्टर नहीं यूज करने वाला हूँ। एक बार और ट्राई करते हैं बूस्टर के साथ, देखते हैं बूस्टर कुछ काम का है भी कि नहीं। ओके कम ऑन हल्का सा बूस्टर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ग्रिप व्रिप कुछ खत्म नहीं हो रही है। ओके नाइस। भाई तुम लोगों को लग रहा होगा अरे इजी है, भाई नहीं, ये जो लेफ्ट राइट कंट्रोल है ये कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट पर्सन व्यू में देखो भाई ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ओ नो गया। ये जो मूविंग पार्ट्स है भाई यही गड़बड़ कर रहे हैं, वरना तो आराम से हो जाएगा। ये देख रहे हो ये जो गोल घूमती हुई चीजें हैं, इनकी वजह से गड़बड़ हो रही है। खैर ट्राई करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक होगा नहीं भाई ट्राई करते रहेंगे। एंड मैं तो सोच रहा हूँ ये हार्ड वाला कंप्लीट करके वो वाला चैलेंज भी ले ही लेते हैं, वो जो इम्पॉसिबल जो है इसके बाद, जिसको कंप्लीट करने के बाद 100 करोड़ मिलेंगे, मैं वो चैलेंज भी एक्सेप्ट करने वाला हूँ गाइस। पहले इसको करते हैं कंप्लीट। हो जाएगा। कम ऑन यस। अबे यार इस मूविंग पार्ट ने दिमाग खराब कर रखा है। ये चक्री से जो घूम रही है भाई हद मचा रखी है, बार बार इसके ये जो पिलर्स निकले पड़े हैं इनमें टकरा रही है बाइक वंस अगेन। अबे ले ये तो मैं बाइक नीचे छोड़ के खुद ही उड़ गया। अबे यार कैसे हो गई ये? होने को तो इजी है यार, वो जो घूमती हुई चक्रियाँ हैं वो गड़बड़ कर रही हैं भाई। वो ना होती तो अभी तक मैं ये चैलेंज कंप्लीट भी कर चुका होता। खैर करूँगा तो सही, मैं करके तो रहूँगा, ये तो तुम लोग देखते रहो भाई कैसे करता हूँ, कर तो लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस हियर वी गो, पहली वाली चक्री कंप्लीट, दूसरी वाली कोई गड़बड़ नहीं। प्लीज यस, ओ नो प्लीज बाहर। अबे यार ऑलमोस्ट बाहर यार, भाई क्या ड्रामा है ये। ऑलमोस्ट दो बार बाहर निकलने की कोशिश में मैं बार बार अंदर गिर गया। ऑलमोस्ट भाई ये तो चलो उतना क्लोज नहीं था, बट इससे पहले वाला तो बहुत क्लोज था। खैर एक बात की अच्छी चीज़ है, मतलब एक चीज़ अच्छी है भाई, एटलीस्ट मैं इतना क्लोज तो पहुंच रहा हूँ, एंड इतना क्लोज पहुंच रहा हूँ तो कभी ना कभी हो भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि ये जो 10 करोड़ वाला जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये 10 करोड़ वाला है भाई, ये कंप्लीट करके जो इम्पॉसिबल वाला है वो कितना डिफिकल्ट होगा। चलो भाई करते हैं इस बार। चलो तुम लोग लाइक करो गाइस अभी कभी वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, देखो मैं कैसे करता हूँ। ओके कम ऑन पहला वाला क्लियर, कम ऑन स्पीड नाइस, सेकंड वाला क्लियर। अबे यार सेकंड वाला गड़बड़ कर रहा है, बार बार दिमाग खराब हो रहा है अब तो मेरा भाई, अब बहुत हो गया यार, अब मेरे को करने दो भाई। सेकंड वाला दिमाग खराब कर रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। एक तो सबसे पहले इस वॉल पे चढ़ाना बहुत मुश्किल है, इस बाइक को चढ़ती नहीं है बाइक आसानी से, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके अबे ये कहाँ अटक गई, यहाँ से इधर, कम ऑन चल मेरी बाइक साथ दे दे मेरा। ओके अबे यार वॉल से ही अटक गई। ओके कम ऑन मेरी बाइक साथ दे दे मेरा। ओके चल बहुत ही बढ़िया। ओके बच गए बहुत तेजी के साथ। ओके हेवी गो, यस वी डिड इट भाई, वी डिड इट। एंड यहाँ पर फाइनली मैं इस हार्ड वाले से भी बाहर निकल के आ गया। ओ भाई कितनी ज्यादा डीप है वो होल, एक बार देखो तो वो ट्यूब कितना डीप है और कितना बड़ा है। ईजी तो ईजी था, नॉर्मल वाला थोड़ा टाइम ले गया मेरा, एंड हार्ड वाला भी हो ही गया सर, तीनों हो गए। अब जो इम्पॉसिबल वाला है क्विकली वो भी ले आओ, बट उससे पहले मेरे 10 करोड़ दे दो, 10 लाख 1 करोड़ तो दे दिया, अब 10 करोड़ भी प्लीज़। एंड यहाँ पर अपने 10 करोड़ भी आ गए हैं भाई। सर इम्पॉसिबल वाला दे दो, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। यस फटाफट से दो, फटाफट से। तो गाइज इम्पॉसिबल वाला चैलेंज जो है वो सामने की तरफ आ चुका है, मतलब मेरे पीछे की तरफ, एंड मैं तुम लोगों को उसे दिखाऊँ, उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई वो सीरियसली में इम्पॉसिबल लग रहा है देखने में। मैं तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, वो है वो चैलेंज।
यस, वो लंबा सा ब्लैक कलर का ट्यूब दिख रहा है ऊंचा सा, ये है भाई हमारा आज का इम्पॉसिबल वाला चैलेंज। सबसे पहले इजी किया, मीडियम किया, हार्ड भी कर लिया, लेकिन ये है इम्पॉसिबल। एंड अभी तक भाई 10 करोड़ मिल गए यहाँ से, 1 करोड़ मिल गए वहाँ से, 10 लाख मिल गए वहाँ से, बट अगर हम लोगों ने इस इम्पॉसिबल वाले को कंप्लीट कर दिया तो भाई सीधे 100 करोड़ मिलेंगे, जो कि लिटरली में मज़ा आ जाएगा भाई। सर मेरे को ड्रॉप कर दो आप फटाफट से इस 100 करोड़ वाले चैलेंज में, आई एम रेडी, रेडी सर, रेडी, फटाफट से ड्रॉप करो। और ज़रा नीचे ड्रॉप करना प्लीज़, ऊंचाई से ड्रॉप कर देते हो हड्डी पसली टूट जाती है, प्लीज़। ओके, इस चैलेंज के अंदर भी मुझे ड्रॉप कर दिया गया एंड लगी बहुत तेज़ लगी, बट ये चैलेंज का टॉप तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। अगर मैं फर्स्ट पर्सन व्यू में भी ट्राई करूँ तब थोड़ा सा आसमान दिख रहा है एंड दो दो विंड मिल से। देखो खतरा कुछ नहीं है, यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है जो अभी कुछ देर पहले हम लोग ने हार्ड वाले में की। फ़र्क ये है कि वहाँ पर बाइक से की थी, यहाँ पर गाड़ी से करनी है। वहाँ पर घूमते हुए चक्रे से थे जो कि थोड़ा ईजी था इस विंड मिल का कंपेरिजन में। ये विंड मिल्स बहुत दिमाग ख़राब करती है, बट आई एम रेडी, क्योंकि भाई 100 करोड़ मिलने वाले हैं, हल्की फुल्की कोई चीज़ थोड़ी ना है, 100 करोड़ का मामला है भाई, करना तो पड़ेगा, लेट्स डू इट, कम ऑन। ओके, ये चीज़ तो ईजी है, इसमें बाइक जितनी मेहनत नहीं करनी है वॉल पे चढ़ाने के लिए, एंड यहाँ पर चढ़ा दे, लो भाई लो, यही दिक्कत होगी, यही दिक्कत होने वाली है अब। तो विंडमिल्स पंगे करेंगे भाई बीच में, अगर तुक्का मेरा सही बैठ गया, किस्मत ने थोड़ा सा भी साथ दे दिया तो विंडमिल्स को चकमा देके हम लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे। बाकी ये जब मैं इसके आर पार जा रहा हूँ ऐसा फील नहीं हो रहा भाई, टाइम मशीन है जैसे, ये है टाइम मशीन जैसा बिल्कुल फील हो रहा है ये ब्लू। खैर गाड़ी, कम ऑन माई कार, लो भाई ठुक गई फिर से विंडमिल। यार इसमें तो बहुत टाइम लगेगा मुझे, कोई ट्रिक तो नहीं है, विंडमिल को गोली चलाऊं साइड में तो नहीं हो जाएगी, क्या पता हो जाए साइड में। अबे वहां तक गोली नहीं जा पाएगी भाई, कहां खड़े होके गोली चलाऊं आखिरकार, मैं ऊपर तक शूट ही नहीं कर पाऊंगा। छोड़ो एक सेकेंड, यहाँ पे चढ़ के शायद शूट कर सकूँ, नहीं यहाँ पे भी चढ़ के नहीं शूट कर पा रहा हूँ। छोड़ो भाई छोड़ो, कोशिश करते हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग बस जाओ गाइस, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल डू दिस। चलो भाई चलो 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 चलो, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, बहुत ही आराम से, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। पहला विंड मिल स्किप, दूसरा विंड मिल स्किप एंड यहाँ पर बाहर। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या बात है भाई, लिटरली मैं यहाँ पर बाहर दोनों की दोनों विंड मिल्स को, अरे इम्पॉसिबल वाला तो भाई सबसे ईजी निकल। व्हाट हैपेंड भाई, अरे इसे क्या हो गया, अबे मैं तो कह रहा था इम्पॉसिबल वाला सबसे इजी निकला, मैं अंदर कैसे आ गया। ओए अबे कर दिया भाई इम्पॉसिबल वाला लेवल, कर तो दिया यार, मेरे को वापस अंदर क्यों भेज दिया, पता नहीं भाई अंदर वापस क्यों भेज दिया मुझे। गाड़ी गाड़ी कहाँ गई, अबे क्या हो रहा है भाई ये। तो अभी गाइस उस बंदे ने अनाउंसमेंट की है भाई, एंड मेरी हालत ख़राब हो गई अनाउंसमेंट सुन के। अनाउंसमेंट ये की है कि मुझे इस चैलेंज को 3 अलग अलग व्हीकल से कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैंने स्पोर्ट्स कार से किया, वो गायब हो गई, अब बाइक दी है, अब बाइक से करूँगा, बाहर निकलूँगा एंड देन वापस से मैं टेलीपोर्ट होके अंदर आ जाऊँगा एंड देन ये बाइक गायब हो जाएगी एंड देन इन द एंड मुझे ये लोग एक ट्रक देंगे एंड देन उससे जब मैं कंप्लीट करके बाहर निकलूँगा तब ऑफिशियली ये इम्पॉसिबल वाला चैलेंज कंप्लीट होगा। मैं तभी तो सोचूं ये इजी मीडियम हार्ड वाले जब इतने खतरनाक थे तो ये इम्पॉसिबल इतने इजी कैसे हो सकता है, बिल्कुल इजी नहीं है भाई। पहले गाड़ी से, फिर बाइक से, फिर एंड में ट्रक से, ठीक है तीनों व्हीकल से मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई बाइक, कम ऑन मेरी बाइक, बाइक से तो मैं पहली बार में ही कर दूंगा। ओ नो बाइक नीचे क्यों आ गई, कोई बात नहीं कुछ ज़्यादा स्पीड हो गई होगी शायद, कम ऑन। अबे ये चढ़ ही नहीं पा रही है भाई, अरे यार कैसे होगा फिर ये चैलेंज, ट्रक से कैसे करूँगा मैं। नो भाई ये तो दीवार पे ही नहीं चढ़ पा रही है बाइक, भाई नहीं ये दीवार पे नहीं चढ़ पा रही कैसे, अरे यार कैसे होगा ये चैलेंज, लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ भाई, प्लीज़ समवन प्लीज़ टेल मी। ओ इसके अंदर भी बूस्टर है लेकिन भाई बेकार सा, नाम मात्र का बूस्टर, भाई फालतू का बूस्टर है ये, इससे अच्छा तो मत ही दो बूस्टर। ओ नहीं नहीं थोड़ा बहुत हेल्पफुल है, ओके ओके वॉल पे चढ़ रहा है, ओके अबे वॉल से निकल क्यों गया ये, थोड़ी सी स्पीड आती नहीं है कि ये वॉल से बाहर हो जाता है। अरे यार अब गुस्सा आ गया मुझे, पहले तो लग रहा था स्पोर्ट्स कार से करना है बस, ये तो 3 अलग अलग व्हीकल से करना है यार,
कोई बात नहीं, मैं सीधा भगा रहा हूँ। यस ओ यस, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ज्यादा बेटर था भाई। गोल गोल भगाने की क्या जरूरत है, सीधा भगाओ। अरे वाह भाई, इसे कहते हैं माइंड का यूज करना। तुम लोगों ने देखा भाई, गोल गोल भगाने की जगह सीधा भगाया मैंने बाइक को, एंड लैंड भी कितनी परफेक्टली कर लिया। बल्कि ट्रक को भी ऐसे ही भगाऊंगा मैं, बिल्कुल आराम से ट्रक को भी बिल्कुल फुल स्पीड में ले जाके एंड उसे सीधा करके भगाऊंगा। लो भाई आ गए फिर से अंदर, एंड ये बाइक हो गई गायब, अब हमें ट्रक मिलेगा। अबे यार कुछ ज़्यादा बड़ा ट्रक नहीं दे दिया इन लोगों ने, थोड़ा छोटा वाला ट्रक देते यार, मिनी ट्रक। इसको रैंप पे से ही जंप कैसे करवाऊँ मैं, हैं प्रॉब्लम तो यही आ गई भाई, रैंप के ऊपर से ही जंप कैसे करवाऊँ मैं यार। लिटरली में ये इम्पॉसिबल है भाई, ये इम्पॉसिबल लेवल मेरे को पहले लगा जब मैंने स्पोर्ट्स कार से कर लिया कि यार बिल्कुल आराम से हो रहा है ये तो, बट नहीं अब लग रहा है भाई ये सीरियसली में इम्पॉसिबल ही है। ओके पहले तो ट्रक को सीधा करते हैं। ओके हियर वी गो, ट्रक के अंदर बूस्टर है क्या, छोटा सा बूस्टर तो इसके अंदर भी है। अब लेकिन इसके ऊपर चढ़ाऊँ कैसे मैं, रुको रुको रुको, एक तरीका है ऐसे ला के घुमा के एंड बूस्ट। भाई कोई बात नहीं बन रही है भाई, कैसे ट्रक से कैसे करूँ मैं ये, लेकिन इम्पॉसिबल तभी तो नाम है, वरना इम्पॉसिबल क्यों नाम होता है इस चैलेंज का, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। रिवर्स में शायद ट्रक ले जाऊँ तो मैं बात बन जाए। अरे लेकिन उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए, इधर जगह भी तो नहीं है भाई, एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। जब रिवर्स में ये ट्रक जा सकता है तो सीधा क्यों नहीं जा सकता। यस ओके सीधा हो गया फाइनली ट्रक बड़ी मुश्किल से, एंड आई एम रेडी गाइज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस 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 ओ यस। ओके ओके ओके, हल्का हल्का बूस्ट देते हैं एंड भगाते हैं इसे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे ये तो इधर ही घूम रहा है। ओके 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 ओके, बूस्टर है तो भाई बहुत ही अच्छा है इस ट्रक के लिए, लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। अबे इसको सीधा कैसे करूँ मैं एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए, भाई ये तो बहुत ही मुश्किल है यार भाई, ये इम्पॉसिबल है ट्रक के साथ ये करना, लिटरली में भाई इम्पॉसिबल। ये चीज़ कैसे होगी मुझे नहीं आइडिया, ट्राई करते हैं फिर से, लेट्स ट्राई वंस अगेन, एंड हल्का सा बूस्टर, तीसरा ट्राई। बड़ी मुश्किल से तो ये ट्रक इस पोजीशन में आ रहा है, एंड वहाँ से फिर ट्राइज। ओके नाइस नाइस नाइस, अरे यार किस बात का नाइस, बार बार ये वहीं आ रहा है सेम एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे। प्लीज़ जा भाई थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर मेरे ट्रक भाई। ओ यस शायद अब ऊपर बढ़ा है क्या, ओ यस ऊपर बढ़ा है ऊपर बढ़ा है। प्लीज़ विंड मिल्स धोखा मत देना, प्लीज़ विंड मिल्स। ओके सीधा हो गया, ओ नो ओ नो ओ नो ओ नो, प्लीज़ सीधा हो, यस यस बूस्ट बूस्ट बूस्ट, सीधा हो गया ट्रक। विंड मिल ओ तेरी ऐसी की तैसी, मर जा विंड मिल। ओके ओके आई गेस गाइज, इस ट्रक को भाई बूस्टर की हेल्प से निकालना है, बूस्टर देख लो तुम लोग कितना हेल्पफुल है। यस एंड इसका वो बाइक्स की तरह छोटा मोटा बूस्टर नहीं है, लॉन्ग बूस्टर है इसका। ओके ओके फिर तो हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा। ये ट्राई बहुत ही बढ़िया था, अभी तक सबसे बेस्ट ट्राई था ये, मैं दूसरे विंड मिल तक पहुंचा था क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचा है हाइट में। तुम लोग एक बार टॉप व्यू दिखा रहा हूँ भाई, कैसे कर रहा हूँ मैं ये देखो, ऐसे कुछ तो करना है, एंड लिटरली मैं बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, बट आई विल ट्राई, एंड जब तक ट्राई करता रहूँगा जब तक मैं हार नहीं मान लेता या फिर इसको कंप्लीट नहीं कर देता, जब तक 100 करोड़ नहीं जीत जाता, बात ख़त्म। ओके ओके काफ़ी अच्छा नीचे आ गए कि गाड़ी सीधी हो जाती भाई तो भी बात बन जाती, सीधी नहीं हो रही है। ओए मेरे पास एक आइडिया है, रुको 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 रुको, इस गाड़ी को मैं पहले ही पलट देता हूँ, रुको भाई जस्ट लुक एट दिस। अब इसको पलटने के बाद यस ये हुई ना बात, ये हुई ना भाई बात, लेट्स गो, ये ट्रिक बढ़िया थी, एंड यहाँ पर तेजी के साथ फाइनली बूस्टर यूज करके आखिरकार बाहर आ गए, कुछ ज़्यादा ही हाइट तक चले गए भाई, बट वी फाइनली डिड इट। ओ भाई कितना मुश्किल था, बट इस ट्रक का भाई बूस्टर बहुत ही स्ट्रांग था भाई, सारा क्रेडिट बूस्टर को याद है, अगर बूस्टर नहीं होता इस ट्रक में इम्पॉसिबल था ये चैलेंज कंप्लीट करना, जो कि नाम था इस चैलेंज का ऑलरेडी इम्पॉसिबल, बट फाइनली इस ट्रक के बूस्टर की वजह से एंड एंड में थोड़ा सा ट्रक टेढ़ा करने वाला दिमाग लगाने की वजह से मैंने ये कर दिया। भाई तेरे तीनों चैलेंज हो गए, तीनों नहीं मतलब चारों चैलेंज हो गए, ईजी मीडियम हार्ड एंड इम्पॉसिबल भी। अब ज़रा मेरे 100 करोड़ निकाल दो भाई साहब, भाई साहब ज़रा 100 करोड़ दोगे मेरे, अब तो ये गाड़ी आएगा टेलीपोर्ट नहीं होगी, नहीं अब टेलीपोर्ट नहीं हो रही भाई। यस ओ मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैंने ईजी से शुरुआत किया, ईजी पे ही हालत ख़राब हो रही थी, बट ईजी भी कर दिया, मीडियम भी कर दिया, हार्ड भी कर दिया, एंड इम्पॉसिबल तो कर ही दिया, वो भी 3-3 बार अलग अलग व्हीकल से। सर 100 करोड़ मेरे, 100 करोड़ आ चुके हैं भाई अपने, एंड अभी निकलने आया था मैं यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी उरुस में, एंड जीत कर जा रहा हूँ मैं यहाँ से टोटल 111 करोड़ और 10 लाख
वाह क्या बात है सर, फटाफट से ये सब मेरी गाड़ी पे रखवा दो। यस जल्दी जल्दी प्लीज। तो ये सारे पैसे मैंने अपनी गाड़ी पे लोड कर लिए एंड मैं तो चला उरुस लेके। फिलहाल गाइस आज की ये तुम लोगों डीप होल चैलेंज वाली वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस, इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मैं चला, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय गुड बाय।